तो अब क्या बनेगा? ये बनेगा। तो सामने वाले को भी देखकर उसको भी बोल दिया कि डाउट आया तो पूछ लिया। जैसे ही दिमाग थोड़ा इधर उधर होगा गड़बड़ हो जाएगी, रॉन्ग ट्रेन में चढ़ जाओगे आप। हैव यू टेकन, चलो नाश्ता खत्म हो गया, अब दिमाग हटा से हट नाश्ते की बात हटा दो अभी के लिए। लेकिन क्या ये देखो, क्या ये अंतिम बार है आपने नाश्ता किया है? अब जीवन में कभी नहीं करोगे? क्या ये बिल्कुल पहली बार था जब नाश्ता किया था? नहीं। तो ना ये अंत है और ना शुरुआत है। शुरुआत तो हो चुकी है कि नाश्ता पहले किया, समय भी बदला, जगह भी बदली। कई बार नाश्ता नसीब नहीं हुआ या भूख नहीं लगी तो नहीं भी किया, आगे भी करेंगे। अभी ऐसा सोचा है नाश्ता करना बंद, ये नहीं सोचा। तो ये जो काम है ये क्या हो गया? लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब नाश्ता करने का काम इन माय लाइफ, जैसे चाय पीने का काम, नहाने का काम, कॉलेज जाने का काम, बिजनेस करने का काम, खाना खाने का काम, कपड़े धोने का काम, इंग्लिश क्लास अटेंड करने का काम। तो ऐसे काम जो लाइफ में होते हैं, जो जीवन का हिस्सा है, और जब आप उनको बताते हो तो फिर एम नहीं लगाते क्योंकि इस समय की बात नहीं कर रहे, फिर इंग भी नहीं लगाते क्योंकि प्रोग्रेस की बात भी नहीं कर रहे। तो एम भी हटाया, इंग भी हटाया, तो क्या बचा? आई, और क्या बचा? आई, एक्शन का इंग कहां लगा था? अपने आप हवा में लटक रहा था क्या इंग? एक्शन में लगा था ना इंग। जब आई एम एक्शन में से एम हटाया, इंग हटाया, तो क्या बचा? अरे आई एम एक्शनिंग, एम हटा दिया और इंग हटा दिया, तो क्या बचा? आई एक्शन बचा ना। बस यही बात लाइफ की बन गई, यही सूचना जीवन की बन गई कि ऐसे काम मैं करता हूं आई एक्शन, आई एक्शन, ये काम मेरे जीवन का हिस्सा है, ये काम मेरे जीवन में शामिल है, मैं इस काम को करता हूं। हिंदी में कई तरह से बोला जा रहा है, इंग्लिश में देखिए काका क्या कहा। मतलब जब नाश्ता करने की बात इस सेंस में बताओगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई, एक्शन क्या है नाश्ता करना, एक्शन क्या है? आई टेक, क्या बना? अब यही काम सामने वाला करता है और आपको पता है, क्या उसके सामने प्लेट है? नहीं है। क्या वो खा रहा है? नहीं है। लेकिन खाता है, क्या आप जानते हो? तो आई टेक, यू टेक, आई गो, तो क्या अभी जा रहा है? नहीं जाता है। ऐसे ही पेन देखा तो पेन से क्या करते हैं? राइट। तो मैं अपने लिए लाइफ में क्या विचार लाऊं? आए मेरे लिए लाइए, यू राइट, लाओगे कि नहीं लाओगे? और मैंने पेन खोला और पेपर पर चलाने लगा। बहुत संभल कर बोलना, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना। तो अपने लिए मैं क्या बोलूंगा, अब आप मेरे लिए क्या बोलेंगे? और मान लीजिए डाउट आ जाए और मैं कह दूंगा यस आई एम राइटिंग, तो अपने पार्टनर को बता देना, यू नो और फिर मैंने कैप लगाया और रख दिया। अब लगे हाथ उसको बता दो कि देखो, नहीं उसी को बताना, पार्टनर को, ही लेकिन अब यहां क्या दिखेगा? फिनिश्ड दिखेगा, हैज। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लग जाएगी, क्या बन जाएगा? He has written. तो डायरेक्टली बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले क्या करो, अपने लिए फील करो कि ये सामने वाले ने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है, I have written. क्या हुआ है? अब यू ने लिखा है तो यू हैव, अब थर्ड पर्सन के बारे में बताया तो जब आप सिस्टम से चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप तो दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली अभी आपको किसी भी व्यक्ति के लिए सोचने में प्रॉब्लम आएगी
इसलिए डायरेक्टली किसी व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, भले ही किसी के बारे में बोलना है लेकिन सबसे पहले अपने लिए उसको अप्लाई करिए, क्योंकि जब आप आय के लिए अप्लाई करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए आज हमने एक और बात सीख ली कि जब मुझे अपने जीवन में शामिल कामों की चर्चा करनी हो तो मैं कहूंगा आई एक्शन, यू के लिए यू एक्शन, क्या इसमें एस एम आर लगा, इंग लगा, हैव हैज लगा, थर्ड फॉर्म लगी, नहीं लगी, क्योंकि ना हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और ना हम फिनिश की बात कर रहे हैं, हम तो किस समय की बात कर रहे हैं, इन लाइफ, किसके, इन माय लाइफ, इसलिए कहा आई एक्शन। जब मैं यू की लाइफ के बारे में बात करूंगा तो क्या हुआ, यू, लेकिन ऐसा भी तो होगा जब हम नए लोगों से मिलेंगे और उनसे मिलेंगे तो उनको देखकर हमें बस लगेगा कि भाई ये करता है, बट वाकई में करता है या नहीं करता, या तो हम उसका पीछा करें या वो हमें खुद बता दे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर एक चीज चाहिए, क्या करने के लिए और कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, आई एक्शन यू एक्शन। मैं कहीं टाइम वर्ड दिख रहा है, आई क्या है, आई क्या है, यू क्या है, टूअर, और लास्ट में जो वर्ड लगा है वो क्या है, एक्शन। बीच में क्या नहीं दिख रहा, लेकिन वो फिर भी है, क्योंकि कैसा है वो, हिडन है, हिडन है, वो दिख नहीं रहा, वो कह रहा है जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो हमने बुलाया, भाई जरूरत है आ जाओ, आ गया। अब वो आके यू के आगे लग गया और उसी शब्द को कहते हैं डू, क्या बोलते हैं, अब डू आपने यू के आगे लगाया तो क्या बना, डू यू एक्शन, पूरा क्या बन गया, आवाज नहीं आई। तो देखो जहां नाश्ता करने की बात कही थी, कहा था आई टेक ब्रेकफास्ट, तो यू के लिए बना, और अब अगर डाउट आ जाए तो पूछ भी लेंगे, आई टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, और वो कौन सा टाइम वर्ड जो नहीं दिखता है, डू, क्या इज एम आर ऐसे हैं, हैव हैज ऐसे हैं, नहीं, तो हम उनको क्यों लगाएंगे, कौन सा है ऐसा, डू, और दो और हैं बाद में बात करेंगे, अभी डू की ऊपर चर्चा हो रही है। तो हमने यू के आगे डू लगाया और क्या पूछा, हाँ, बस इस हथियार को साथ में रखो, अब जिससे जीवन की जो भी बात पूछनी हो तुम ऐसा करते हो कि नहीं करते हो बताओ, बस डू लगाना, यू लगाना, और एक्शन लगाना, जिस एक्शन के बारे में पूछ रहे हो, तो क्या बन जाएगा, डू यू एक्शन। तो नाश्ता करता हूं, ये काम जीवन में शामिल है, ये काम मेरे जीवन का हिस्सा है, आई टेक ब्रेकफास्ट, तो क्या बोलना चाहिए उसे, यस, क्यों भाई, पहली इंफॉर्मेशन आई टेक ब्रेकफास्ट ही तो बनी थी, वही तो रहेगी, और आई टेक ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं करना, कोई डू यू टेक ब्रेकफास्ट पूछेगा तो बोलोगे डू यू टेक टी, डू यू गो, बोलोगे तो ही प्रैक्टिस होगी, नहीं देखोगे तो देखने की प्रैक्टिस होगी, मैं आपकी आंखों में बस जाऊंगा अंग्रेजी नहीं बुला पाऊंगा, मुझे थोड़ी बसाना है आपको, डू यू एक्शन, आंसर आएगा आए, समझता हूं अभी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बातें अभी इंट्रोड्यूस की है ना, पता तो चल जाता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग का काम है कि दिमाग और जुबान के ऊपर उसको हम फिट करें, सेट करें, यही प्रैक्टिस हम और आप करने वाले हैं, डू यू एक्शन। अब पूछ लो किसी से स्मोक की बात, स्मोक सिगरेट पीना, आई स्मोक, यू स्मोक, पूछो तो वो कहता है हाँ, नहीं अभी तो हाँ बोलना है ना, अभी हम सीख रहे हैं, अभी गंभीरता में मत घुसना, क्या बोलोगे, आई ड्राइव, यू ड्राइव, पूछोगे तो
डू यू ड्राइव, तो क्या बोलेगा वो? यस आए, गाड़ी की चाबी लेकर आया, लॉक खोला, गाड़ी की सीट पर बैठा, स्टेयरिंग पर, गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगा। और मैं इस बात को देख रहा हूं, और मान लो वो मैं ही हूं, तो वो वर्क कैसा हो गया? अब क्या बोलना चाहिए? आई एम, वहां पहुंच गया जहां जाना था, फिर गाड़ी को लॉक कर दिया, बाहर निकल आया, अब कहा आई हैव या एम? आई हैव क्या? ड्रिवन, सॉरी आई हैव, क्योंकि मैं जानता हूं आई ड्राइव, आई ड्राइव चलाने लगा, तो आई एम ड्राइविंग। और जैसे ही काम खत्म कर दिया वैसे ही आई हैव। अब आप देखिए, एक एक क्लास में हम ये एक एक चीज सीखे, तब जाकर ये तीन इंफॉर्मेशन बनी। और जब कोई व्यक्ति भाषा बोलता है तो उसमें सेंटेंसेस का फ्लो होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, सो मेनी सेंटेंसेस आर देयर एंड दे स्पोकन इन द फ्लो। उस स्टेज तक पहुंचने में अभी, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना, रोजाना आना, और रोजाना आके चुपचाप बैठ गए तो इट। लेकिन ये बात पक्की है, रोजाना काम करेंगे बट अपनी जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में इट विल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।